हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। अभी तक आप यूट्यूब को जब यूज करते हैं और उसको आप बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं तो शायद आप नहीं चला पाते, क्योंकि आपके पास यूट्यूब का प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है, यानी कि आपको उसको परचेज करना होता है। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ जिसमें आप अपने यूट्यूब, जो कि नॉर्मल यूट्यूब यूज कर रहे हैं, उसके कोई भी म्यूजिक को, किसी भी वीडियो को, यदि आप सिर्फ ऑडियो में सुनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी प्राइम मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, उसे आप बैकग्राउंड में चला सकते हैं। अभी तक आपने देखा है कि आपके पास यदि कोई भी मोबाइल है जिसमें आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं और यूट्यूब यूज करते हुए आपको कोई भी, मान लीजिएगा मेरे पास ये सॉन्ग है, मैंने ये सॉन्ग यूज की, सॉन्ग ऑन कर दिया है और एक मेडिटेशन सॉन्ग चल गया है। अब मुझे इसे बैकग्राउंड में लेके जाना है। यदि आपके पास प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कर देता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। प्लस यदि मैं इसे मोबाइल को ऑफ भी कर देता हूँ, यानी कि पावर बटन ऑफ कर देता हूँ, तब भी ये बंद हो जाएगा। लेकिन ओप्पो ने कलर ओएस 12 के बीटा वर्जन, जो कि अभी तक रिनो 6 प्रो में यूज किया गया है, इससे ये प्रॉब्लम रिजोल्व करती है। वो कैसे हुई है उसके लिए मैं आपको ऑपरेशन बताऊंगा, प्लस करके दिखाऊंगा कि कैसे ये आप यूज कर सकते हैं। यानी कि अब आपको नाइट में कभी जब म्यूजिक सुनने की इच्छा होगी तो आप यूट्यूब के थ्रू ही बैकग्राउंड में चलाकर उसमें म्यूजिक सुन सकते हैं। या फिर आप जैसे कि कार ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते टाइम पे आप यूट्यूब को, यदि एक प्लेलिस्ट आप सुनना पसंद करते हैं तो प्लेलिस्ट आपने सेट की और उसको बैकग्राउंड में डाल दिया, और मोबाइल को यदि लॉक भी कर देंगे तो आपका यूट्यूब बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो ये फीचर आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप इसे यूज करें। तो लेकिन उससे पहले आप चेक कर लीजिएगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें यदि आपको पसंद आती है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, जो कि रेनो 6 प्रो में यूज कर रहा हूं और कलर ओएस 12 और एंड्रॉयड 12 में ये अपडेटेड है, तो उसके कोई भी यूट्यूब का कोई भी आप एक सॉन्ग, जैसे कि मैं एक प्लेलिस्ट यहां पर सर्च कर लेता हूं, सॉन्ग प्लेलिस्ट, मैंने यहाँ पे सर्च किया सॉन्ग प्लेलिस्ट, और सॉन्ग प्लेलिस्ट में मेरे पास यहाँ पर ये सॉन्ग प्लेलिस्ट आ चुकी है। तो जैसे कि ये सॉन्ग प्लेलिस्ट आ चुकी है और अभी मुझे ये, यदि मैं यहाँ से मोबाइल को ऑफ कर देता हूँ तो ये म्यूजिक भी बंद हो जाएगा, प्लस बैकग्राउंड में नहीं चल सकती क्योंकि मैंने प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ली हुई है। लेकिन आप ओप्पो की कलर ओएस 12 का बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग फंक्शन को यूज करके इस फंक्शन को अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग यहाँ पर चल रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो साइड में एक बार दी हुई है, यहाँ पर साइड बार, जैसे कि मैं साइड बार पे ऑन करूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ब्लू कलर से हाइलाइटेड बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग, मुझे सिर्फ इस पर क्लिक करना है। तो बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग को क्लियर एक्टिवेट करने के बाद में आपके मोबाइल पर ऑफलाइन आप YouTube सुन सकते हैं, यानी ऑफ स्क्रीन YouTube सुन सकते हैं। अभी मैंने मोबाइल को एक्टिवेट किया हुआ है, यानी मोबाइल की स्क्रीन ऑन है, अब भी चल रहा है, और जब मैं मोबाइल को लॉक कर दूंगा तब भी YouTube चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना प्रीमियम फीचर है जिससे आपके कितने सारे अमाउंट, जिसे आप प्रीमियम मेंबरशिप खरीदने पर लगाते थे, वो बच जाएगा। तो आई होप ये जो फंक्शन है आपको समझ आया होगा और इसका यूज आप जरूर करेंगे, चाहे आप कार के अंदर म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर आप नाइट में अपने बेडरूम के अंदर म्यूजिक सुनते हैं, तो ये फंक्शन बहुत ही आलिशान फंक्शन है। तो ये फंक्शन आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस फंक्शन की वजह से आपके नजर में कितना सारा अमाउंट सेव हो गया है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और ऐसी बहुत सारी ऑपरेशनल वीडियोज मेरे चैनल पर दी गई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।